तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक 5-in-1 दिवाली गैजेट बनाने जा रहे हैं। और ये जो गैजेट है आपके काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और इसे बनाने के लिए मैं जो लिथियम आयन बैटरी होती है 3.7 वोल्ट की, उसका यूज कर रहा हूं। तो और मैं इसे चार्ज करने के लिए एकदम अलग तरीके से इसको चार्ज करूंगा, ना ही इसके लिए मैं किसी मॉड्यूल या फिर किसी सर्किट का यूज नहीं करूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे बनाने के लिए मैं इस एल्यूमिनियम पाइप का यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ पर इसके ऊपर दो होल बनाए हैं, और ये होल मैंने क्यों बनाए हैं आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं ये कनेक्टर को ले रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये कनेक्टर आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस कनेक्टर के दो टर्मिनल पर इन वायर को कनेक्ट कर लूंगा। और फ्रेंड्स, मैंने दिवाली के टॉपिक पर ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। वो वीडियो आपको काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस कनेक्टर में इन दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद मैं इस कनेक्टर को इस पाइप के ऊपर कुछ इस प्रकार से नट बोल्ट की मदद से फिक्स कर लूंगा, और इसकी जो वायर है उसको मैं दूसरे होल की मदद से बाहर की तरफ निकाल लूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर लिया है, और इसके बाद मैं इस वायर को इसके अंदर से निकाल लूंगा। तो यहाँ पर मैं एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो हमें इस पाइप को इस एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर आधा लगा लेना है और आधा छोड़ देना है। तो इसके बाद मैं एक कार्डबोर्ड का पीस ले रहा हूँ, आप देख सकते हो, और मैंने इसको गोल शेप में कट कर लिया है, और इसके बीच में मैंने एक होल बना लिया है। तो हमें इस वायर को इस कार्डबोर्ड के बीच में से निकाल लेना होगा, और इसको मैं इस एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर लगा लूंगा और सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं एक पीवीसी पाइप ले रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम लेंगे एक पुश स्विच। तो हमें इस स्विच को इस पाइप के ऊपर लगाना होगा, तो मैं इसे लगा लेता हूँ और इसके ऊपर पेंसिल से मार्क बना लूंगा, और उसके बाद इसमें होल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा स्विच है इसके ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। और मैंने यहाँ पर दो होल बड़े बनाए थे ताकि इसके अंदर से मैं वायर को निकाल सकूं। तो मैं इस वायर को इसके अंदर से निकाल लूंगा, और मैं इसे बीच में से कट कर लूंगा, और ये दोनों जो वायर है वो मैं स्विच के साथ कनेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दो वायर है वो स्विच के हैं और दो वायर कनेक्टर के हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्टर के किसी भी एक वायर को इस स्विच के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर लूंगा, मतलब कि मैं इसको डायरेक्टली शोल्डर कर लूंगा, क्योंकि अगर इसमें टेप लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा वो, तो इसलिए मैं इस पे शोल्डर कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इन दोनों वायर को शोल्डर कर लिया है, और यहाँ पर दो वायर बच रही है, एक स्विच की है और एक कनेक्टर की है। तो मैं इन दोनों वायर को इस पाइप के थ्रू बाहर निकाल लूंगा, और यहाँ पर मैं इस प्लास्टिक कैप का यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं लूंगा एक माइक्रो यूएसबी का सॉकेट। तो हमें इस माइक्रो यूएसबी सॉकेट को इस कैप के बीच में लगाना होगा, तो उसके लिए मैं इस कैप पर होल कर लेता हूँ। तो अब मैं इस होल के अंदर इस सॉकेट को लगा लेता हूँ, और आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। तो हम इन दोनों टर्मिनल पर एक वायर को शोल्डर करने वाले हैं, और मैं यहाँ पर किसी भी डायोड का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लैक वाली वायर हो गई वो हो गई इसकी नेगेटिव, और ये जो व्हाइट वाली वायर है वो हो गई पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम इन दोनों टर्मिनल को पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो सके। तो यहाँ पर जो पाइप के अंदर से दो वायर निकले थे, उन दोनों वायर को इस सॉकेट के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है, और जो व्हाइट वाली वायर है वो है पॉजिटिव, और जो ब्लैक वाली है वो है नेगेटिव। तो हमको इस पॉजिटिव को इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ शोल्डर करना होगा, और इसके नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ शोल्डर कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस बैटरी को इन दोनों वायर के साथ शोल्डर कर लिया है। तो अब मैं इस बैटरी को इस पाइप के अंदर लगा लूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो गैजेट है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसके बैटरी को कैसे चार्ज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसे चार्ज करने के लिए मैं काफी समय से इस फैन का यूज कर रहा हूँ। मेरे पास जितनी भी लिथियम आयन बैटरी होती है मैं उसको इसी फैन से चार्ज करता हूँ। तो उसे चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पर इसे खोलकर दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इन बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ एक यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट किया है। तो मैं इस पोर्ट के साथ यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लूंगा, और इसे इस गैजेट के साथ कनेक्ट कर लूंगा। और जब हम इस फैन को चार्ज लगाएंगे तो जो हमारी बैटरी है वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। और इसमें एक खास बात यह है कि जो ये फैन है इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर भी दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम इसकी बैटरी के लेवल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस यूएसबी केबल का यूज किया है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर ये जो बैटरी है इस फैन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो हमारा जो फैन है वो अच्छे तरीके से घूम रहा है, मतलब कि बैटरी कनेक्ट हो चुकी है। तो अब इसे चार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस यूएसबी केबल को इस फैन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और आप देख सकते हो हमारा जो फैन है वो रेड कलर की लाइट को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि जो हमारी बैटरी है वो फैन के साथ कनेक्ट है और ये चार्ज हो रही है। तो अब मैं इसे थोड़ा देर चार्ज होने देता हूँ, और उसके बाद हम इसे चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहला यूज इसका ये है कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक नाइक्रोम वायर का यूज किया है। तो मैंने इस नाइक्रोम वायर को पुराने रूम हीटर में से निकाला था। तो हम इस नाइक्रोम वायर की एक छोटी सी कॉइल बना लेंगे। तो मैं इसे कॉइल बनाकर आपको दिखा देता हूँ। तो अब हम इस कॉइल को इस दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने जो कॉइल बनाई थी उसको मैंने इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो अभी इसे चेक करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं इस बटन को पुश कर रहा हूँ ये जो कॉइल है वो काफी तेजी से गर्म हो रहा है, और ये काफी ज्यादा रेड हॉट हो जा रहा है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा जो लाइटर है वो काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और ये जो कागज है वो काफी जल्दी से जल जा रहा है। तो मैं इसे थोड़ा ही जला रहा हूँ क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो कपड़े का है, क्योंकि वो जल सकता है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ही दिखा देता हूँ। तो आप इसका यूज लाइटर के तौर पर कर सकते हो, आप इससे कागज जला सकते हो और आप इसे पटाखे भी जला सकते हो। इसके ऊपर आप रॉकेट लगाकर इस पर रॉकेट लॉन्चर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सेफ्टी बनाना पड़ेगा। तो अब मैं इस गैजेट का आपको दूसरा यूज भी बता देता हूँ, आप इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस लाइट को इसके ऊपर लगा लिया है और अब ये एक इमरजेंसी टॉर्च के तौर पर भी काम करेगा और आप इसकी रोशनी देख सकते हो, ये काफी अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।